नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास जनरेटेड मोरल में। लेकर आपके सामने अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपको मेजरमेंट से रिलेटेड एक बुक पढ़नी है, जिससे रिलेटेड कुछ भी आपके सिलेबस में है, चाहे वो ESC का सिलेबस हो, चाहे वो गेट का सिलेबस हो, या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का सिलेबस हो, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में हर तरह की मेजरमेंट की जाती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड थ्योरी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब कुछ कवर होंगे इस बुक में। R.K. राजपूत जी द्वारा लिखी पुस्तक है। बात करें अगर इसके प्राइस टैग की, तो ये आपको लगभग 450 से लेकर 500 के बीच मार्केट में मिल जाती है। ये काफी ओल्ड एडिशन है, तो 195 शो हो रहा है, लेकिन अब इसका प्राइस लगभग 400 और 500 के बीच में लाई करता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 308 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका शॉर्ट रिव्यू। सबसे पहले इसके अंदर आपको कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, वो है पार्ट वन डिवाइस किया गया है। जो पार्ट वन में मैकेनिकल मेजरमेंट में आपको जनरल कॉन्सेप्ट्स, अब ये जनरल कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको जनरल मेजरमेंट में देखने को मिलते हैं। ये सारे पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए बोरिंग भी होगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। ताकि इस बुक को खरीदने से पहले आप एक बार सोच जरूर लें कि जिस टॉपिक के लिए आप पुस्तक खरीद रहे हैं, क्या वो टॉपिक इस पुस्तक में है भी या नहीं। सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, सिग्नल कंडीशनिंग, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग, टाइम रिलेटेड मेजरमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, स्ट्रेन मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन एंड वाइब्रेशंस, टेम्परेचर मेजरमेंट्स। जो पार्ट टू है वो है मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, जिसके अब यहां पर टॉपिक्स आएंगे। इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स एंड कंपेरेटर्स, मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गियर्स, सरफेस टेक्सचर फिनिश, और ये टॉपिक्स, ये चैप्टर इसके अंदर दिए गए हैं। अब जैसे मैकेनिकल मेजरमेंट्स की बात करें, तो इसके अंदर ये 8 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। इन चैप्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप खोलते हैं, तो आपको राइट साइड एक कॉलम दिखाई देगा। इसके अंदर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, वो सारे टॉपिक का यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहां से आप पढ़ेंगे तो देखो, यहाँ पे जो तिरछे, जो इटैलिक वर्ड्स में यहाँ पर एक डेफिनेशन दी होगी, यानी उस टॉपिक के बारे में बताया गया होगा। तो जब ये तिरछी लाइन आपको दिखाई दे, समझो वो इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद से यहाँ पर अंडरलाइन करना पड़े या आपको हाईलाइट करना पड़े। इसमें वेरी शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरी की थ्योरी भर दी गई है। जितना उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आपको समझना आवश्यक है, उतना इसके अंदर दिया गया है। बीच बीच में आपको जो बोल्ड वर्ड दिखाई देंगे, वो उसकी डेफिनेशन को शो करेगा। इसे आप आगे चलेंगे तो हर तरह की टेबल, हर तरह के यहाँ पर टॉपिक्स, हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कवर किया गया है। मुझे नहीं लगता मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शंस के रिलेटेड कोई भी टॉपिक इन्होंने यहाँ पर छोड़ा हुआ होगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट जो पहला चैप्टर, वो इसलिए है ताकि जो आने वाले चैप्टर है उनका जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे मैकेनिकल मेजरमेंट्स, आपको टॉपिक्स मिलेंगे, बीच बीच में फ्लो चार्ट वगैरह का भी जिक्र किया गया है। डायग्राम भी समुचित मात्रा में तो नहीं कह सकते, बहुत कम मात्रा में, लेकिन है जरूर, आपको डायग्राम देखने को इसमें जरूर मिलते हैं। जैसे जैसे आगे चलते हो, आगे आपको टॉपिक्स के अंदर एक दो एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, हिस्टेरेसिस के बारे में बताया गया है। तो सभी के सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। टाइप ऑफ एरर्स हो गया, और आगे चल के देखते हैं। अब जैसे ही ये चैप्टर यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिया गया, तो बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद जैसे चैप्टर फिनिश होगा तो यहाँ पर आपको हाईलाइट्स देखने को मिलेगी। हाईलाइट्स यहाँ पर क्या बताती है, हाईलाइट्स बताती है इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इस चैप्टर का निचोड़ है। यानी कि जब आप रिवीजन करें तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हाईलाइट्स पढ़िएगा और आपका पूरा चैप्टर के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
इसके बाद आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो चैप्टर में आपने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए गए हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपने अपना मूल्यांकन खुद से कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो क्वेश्चन है ये टॉपिक वाइज है, देखिए आप स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एरर एंड मेजरमेंट, तो टॉपिक वाइज आप इनको स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यही पैटर्न हर एक चैप्टर में लिया गया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टॉपिक्स जिसमें तिरछे लाइन में जो लिखे जाएंगे वे आपकी डेफिनेशंस होगी, डायग्राम का समुचित प्रयोग किया गया है, लास्ट में आपको हाईलाइट्स देखने को मिलती है, पूरे चैप्टर का निचोड़ और फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यही पैटर्न हर एक चैप्टर में अपनाया गया है। लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स तो नहीं कह सकते, कम टर्म्स है, लेकिन आपके लिए ये अच्छे टर्म्स हैं जिनके बारे में आप समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी के बारे में, कैटसन बुक पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है और इंजीनियर आर के राजपूत जी द्वारा ये लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की बुक्स की रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सारी बुक्स कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, किसी ब्रांच से रिलेटेड हो या आपकी किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।